Hi everyone, welcome back to my channel Doctor for All with Dr. Rakshinda. Hope you all are doing good. Last two videos में मैंने आपके साथ first trimester और second trimester of pregnancy discuss की थी. Today I'll be discussing on the third trimester of pregnancy. So let's begin fast without any delay. Third trimester है last के 3 months, जिसे third trimester कहते हैं. 7th, 8th, और 9th month अभी बचे हैं. ये last phase है, लेकिन ये बहुत challenging और थोड़ा बहुत difficult phase भी है, क्योंकि you are anxious, you are preparing for your delivery, वो सारी feelings रहती है, क्या होने वाला है, anxiety रहती है काफ़ी. इसमें क्या क्या symptoms आते हैं मैं आपके साथ अभी share करने जा रही हूँ. First है क्योंकि abdomen size बड़ा हो रहा है, बच्चा grow हो रहा है, तो abdomen का size भी बड़ा हो रहा है और उससे weight बढ़ रहा है, तो पेशेंट विल फाइंड डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग. स्लीप में कंफर्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि अब्डोमेन काफ़ी डिस्टेंडेड हो गया है, अनकंफर्टेबल लगेगा स्लीप, नींद बार बार टूट जाएगी. और क्योंकि अब्डोमेन इतना बढ़ गया है, बच्चा बढ़ रहा है, तो वो प्रेशर डालेगा यूरिनरी ब्लैडर पे, तो क्या होगा कि बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगी, तो रात में बार बार उठना पड़ता है. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नींद ब्रेक होती जाती है, तो दिन में भी थकान रहेगी और वेट जो बढ़ रहा है उसकी वजह से भी थकान रहती है. दूसरा प्रॉब्लम है कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन रहेगा, क्योंकि बार बार आपको ये फीलिंग आती रहेगी कि यूरिन पास करने जाऊँ, कभी खांसेंगे हंसेंगे तो भी थोड़ा यूरिन पास हो जाएगा. और दूसरे प्रॉब्लम्स ये है कि बैक एक होगा, क्योंकि काफ़ी लोड पड़ रहा है बैक पे, तो लोअर बैक पेन किसी किसी को होता है, तो व्हाट यू शुड डू इज़ एक सपोर्ट वाली चेयर पे कभी भी बैठिए, लोअर बैक को कुछ सपोर्ट मिले. दूसरी चीज़ है कि अगर ये फेज़ में कुछ ब्लीडिंग हो रही है तो यू हैव टू रश टू योर डॉक्टर, जाके अपने डॉक्टर के साथ ये प्रॉब्लम जल्दी से शेयर करिए, क्योंकि इट्स अ बिग इशू, इट्स नॉट लाइट, लाइक उसको लाइटली मत लीजिएगा. दूसरे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं ये ट्राइमेस्टर में, कि जलन होती है सीने में, हार्ट बर्न जिसे कहते हैं, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, क्योंकि यू कॉन्ट सिट प्रॉपरली एंड स्टूल्स पास नहीं कर सकते, तो हार्ड स्टूल्स हो जाते हैं, किसी को स्मॉल स्मॉल वेन्स डेवलप हो जाती है लेग्स पे, थाइस पे, वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो पूरे बॉडी में ज़्यादा हो रहा है एंड प्रेशर भी डालना पड़ रहा है टॉयलेट के लिए, तो हो सकता है पाइल्स या हेमरॉइड्स जिसे कहते हैं, वो प्रॉब्लम के साथ कोई प्रेजेंट करेगा. स्ट्रेच मार्क्स होते हैं क्योंकि अब्डोमेन साइज़ बढ़ते जा रहा है, तो स्किन पे ऐसे पर्पलिश, ब्राउनिश या रेडिश ऐसे स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं. यू कॉन्ट प्रिवेंट इट, एकदम से फेड भी नहीं होते हैं, बट थोड़ा बहुत लाइट उसको कर सकते हैं, क्रीम लगा के, विटामिन ई वाले क्रीम लगा के थोड़ा सा फेड हो जाता है. कि सांस फूलने लगती है, चलते हैं तो, क्योंकि वेट बढ़ गया है, अब्डोमेन का साइज़ बढ़ गया है, तो चलते चलते में थोड़ा सा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे बोलते हैं, कि सांस फूलने लगती है, वीक फील होने लगता है, थकावट जैसी फील होने लगती है. किसी को सायटिका का पेन होता है, कोई कोई पेशेंट्स को एक नर्व प्रेस हो रही है, तो उसकी वजह से सायटिका का पेन भी हो सकता है. कोई कोई कैसे प्रेजेंट करते हैं कि स्वेलिंग किसी को हो जाता है पैर में, ईडीमा जैसे कहते हैं, तो पैर थोड़ा स्वोलन हो जाएगा, फेस थोड़ा स्वोलन हो जाएगा. बट अगर बहुत ज़्यादा स्वोलन हो रहा है आपका फेस या लेग्स, तो डेफिनेटली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए, ये इट्स अ सीरियस इशू, कुछ किडनी में हो सकता है प्रॉब्लम है. स्लाइट स्वेलिंग ऑफ लेग्स, एंकल्स एंड फेस, इट्स अ नॉर्मल थिंग. ठीक, ये पूरे थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान वेट गेन कैसा होना चाहिए, 0.5 पाउंड टू 1 पाउंड पर वीक. अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, यू कैन फील कि एकदम से सडनली वेट गेन हो रहा है, या वेट मशीन पे चेक करके आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, या फिर वेट गेन हो ही नहीं रहा है पेशेंट का, या लो ही उतना ही है, तो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम. आपको कॉन्टैक्ट करना है डॉक्टर को इमीजिएटली. जैसे मैंने पहले भी बताया, ब्लीडिंग हो रही है तो कॉन्टैक्ट करिए, सिवियर पेन हो रहा है और बर्निंग हो रही है, सिवियर पेन हो रहा है बर्निंग हो रही है, तो भी डॉक्टर को दिखाइए, ये साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसको जल्दी से ट्रीट कर लेंगे, नहीं तो ये सारी चीज़ें की वजह से क्या होता है, कभी कभी प्रीमेच्योर लेबर भी हो जाता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी, या कुछ वाइट डिस्चार्ज एकदम से सडनली जा रहा है, तो येलोइश डिस्चार्ज जा रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को बताना है. और किसी किसी फीमेल्स को क्या होता है कि ब्रेस्ट में से एक येलोइश फ्लूइड, कोलोस्ट्रम जिसे कहते हैं, वो लास्ट ट्राइमेस्टर में आने लगता है, तो इट्स जस्ट अ प्रिपरेशन चालू है, बॉडी प्रिपेयर कर रही है अपने आपको प्रिपेयर कर रही है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए, तो इट्स नॉट वेरी सीरियस इशू, इसमें डरने की कोई बात नहीं है. बट ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं, कोई कोई को कुछ नहीं होता है. सो ये सब प्रेगनेंसी की वजह से है, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग फीटस एंड बेबी. डिलीवरी के बाद सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं, तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.